जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं ड्राइव एक्स में। और जैसे कि आपको भाई पता ही होगा कि अभी देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो और एनवायरमेंट में दो ही चीज़ें हैं। सिनेरियो में ये दो चीज़ें रॉकफॉल वाइप आउट और ये फ्री होम में ऊटा और ग्रिड मैप, बस यही दोनों। बाकी ये दोनों विल बी सून है और नीचे भी ये दोनों विल बी सून है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने ऊटा वाले में, क्योंकि सबसे बेस्ट देखा जाए तो भाई यही है। और अभी हम लोगों ने इसका अपडेट भी किया है तो इसमें अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ तो इसमें अपडेट हुआ नहीं है। तो चलते हैं ऊटा मैप के अंदर और देखते हैं भाई यहाँ पे। अभी हम लोगों को फिलहाल ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी और हम लोगों को भाई यहाँ पे दूसरी गाड़ी चाहिए, तो दूसरी गाड़ी के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये गामा लूसीफर और यूटा रनर, हालांकि इनके जो नेम्स हैं वो इन लोगों ने चेंज कर रखे हैं। बाकी गाड़ियाँ जो हैं अलग अलग बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे ये GTR की तरह गाड़ी है। उसके अलावा भाई ये देखिए बुगाटी जो इन्होंने अलग ही नाम दे रखा है। तो इनका कहना है कि यहाँ पे हम लोगों को अगर ये चीज़ें ऐड करनी है ये सब गाड़ियाँ, तो उसके लिए हम लोगों को इनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये वाली गाड़ी चूज़ करते हैं, नहीं थोड़ा सा हैवी गाड़ी यूज़ करेंगे। तो हैवी गाड़ी में अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोगों को भाई इसको रेत पे चलाना है, तो थोड़ी सी बढ़िया और थोड़ी सी हैवी गाड़ी होनी चाहिए। तो ये गाड़ी बढ़िया, तो भाई ये गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। यूटा ऑफ रोडर है। अब ये गाड़ी है कौन सी कंपनी की, ये तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो इसको अनलॉक करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अनलॉक पे क्लिक करना पड़ेगा। गाड़ी हमारी अनलॉक हो चुकी है, अब हम लोग इसको स्पॉन कराएंगे और देखते हैं। तो भाई ये देखिए हमारी गाड़ी जो है वो आ चुकी है और कितनी ज़बरदस्त और ये मॉडिफाइड है। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई आगे से ये ऑल्टो का डिज़ाइन है और पूरी इसको बगी पे जोड़ दिया गया है और हमारा इसमें फिलहाल कोई बंदा बंदा बैठा है नहीं। और ये भाई इसका आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, पॉइंट पूरा जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे गाड़ी जो जितने भी पॉइंट्स से बनी होती है जिनकी मजबूती इनसे चेक की जाती है, तो ये पूरे पॉइंट्स हैं। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले हम लोग जो करेंगे स्टार्ट। भाई स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा पिकअप इसका हाई नहीं है, तो कोशिश करेंगे भाई नॉर्मल तरीके से इसको चलाएं और देखते हैं किस लेवल तक इसको हम लोग लेकर के जाते हैं और कितना ज़्यादा ये डैमेज होने वाली है। क्योंकि भाई पिछली गाड़ी अगर आपने देखी होगी तो हम लोगों ने इसको बहुत ही अलग तरीके से इसको डैमेज कर दिया था। ये अलग ही थोड़ी सी ऑफ रोडर है तो अच्छा रहेगा, इसको चलाना वाला ना बढ़िया रहेगा। और बस हम लोगों को एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हम लोगों को किसी भी मतलब किसी भी पत्थर से, बड़े पत्थर से टकराना नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग पत्थर पत्थर से टकराएंगे भाई ये गाड़ी हमारी पूरी डैमेज हो जाएगी। और देखो यहाँ पे इसने पिकअप लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको प्रॉपरली रूट मिल गई है और ऊपर आप अगर मीटर देख रहे होंगे किलोमीटर, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका पिकअप चल रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में दिखाते हुए, तो आप ये देखिए ये फुल स्पीड में 103 की स्पीड में और ये स्लो मोशन में, तो ये सब चीज़ें हैं भाई इसमें। और ये हम लोग फिलहाल टनल के अंदर जाते हुए देखते हैं कितनी हाई स्पीड तक ये जा सकती है। हालांकि हम लोग शायद दूसरे साइड जा रहे हैं, तो वो भाई ये देखो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ का जो टायर है वो थोड़ा सा अंदर हो गया है, तो थोड़ा सा अजीब लग रही है गाड़ी अभी देखने में। और दूसरी तरफ का टायर देखो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बाहर आ गया है। तो 106 किलोमीटर का भाई इसने 104 ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि थोड़ी सी ड्रिफ्ट भी हो रही है गाड़ी। और हम लोग देखते हैं अभी कितना लंबा ये भाई चलने वाला है, क्योंकि लग तो भाई बहुत लंबा रहा है ये टनल। अब कितनी देर में ये ख़त्म होगा वो तो भाई टनल ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आप ऊपर GPS में देखेंगे तो उसमें भी आपको एक चीज़ ये पता हो भाई, टायर वायर सब अंदर चले तो ये क्या भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे हाइड्रोलिक कूलर लगाओ, तो उसकी वजह से भाई टायर वायर तो दिख ही नहीं रहे। और देखो कितनी गाड़ी हमारी जो है वो छोटी हो गई है। और देखते हैं कितना टाइम लगता है भाई इस पूरे टनल को क्रॉस करने में, क्योंकि लगभग भाई इतनी देर तो हो ही गई है और क्या होगा भाई पता नहीं अभी। और शायद हम लोगों ने गलत कर दिया इस टनल के अंदर आकर के, क्योंकि ये टनल कितनी लंबी है तो पता नहीं चल रहा है भाई। कैसे पता चलेगा आप ही लोग बताइए। तो भाई थोड़ा सा और देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे फिलहाल के लिए लगता है।
एक टर्न और आ रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग थोड़ी सी स्पीड को स्लो करेंगे और अपनी नॉर्मल स्पीड पे इसको भगाएंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा इसमें डैमेज ना हो, क्योंकि इसके अंदर फंसने का मतलब आपको पता ही है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं, तो अब हम लोग रिस्क भी नहीं ले सकते ना। देखो तो लगभग भाई एंड पॉइंट आने वाला, ये हमें लगता है भाई होगी कम से कम 5-7 किलोमीटर की, क्योंकि हम लोग 110 की स्पीड से चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतना तो लगना ही चाहिए। और हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, अच्छा ये पूरा टर्न, इसने पूरा टर्न लिया। और एक चीज़ और है भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो गेम है भाई, है बहुत बड़ा, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही बड़ा गेम है। और ये देखो भाई, इसकी हाइड्रोलिक वाटोलिक देखो कितनी छोटी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे ये देखो बाहर आ गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो पहिए अंदर चले गए हैं और हाइड्रोलिक्स जो इसकी जो आप कह सकते हो जो पीछे एक्सल है वो बाहर आ गया है, और शॉकर भी आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर के, ये भी बिल्कुल पहिए के ऊपर आ गए। तो यही है, अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसको तोड़ फोड़ के गिरा कर कितनी हैवी इसकी तोड़ फोड़ हो सकती है। अब इसको लोग फुल स्पीड में लेकर के जाएंगे और लड़ा देंगे सीधा दीवार में, देखते हैं क्या होता है। और अभी देखो ये बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो गेन कर नहीं रही है, तो अब देखते हैं सामने वाली दीवार में इसको लड़ा करके क्या। ओ शिट 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 शिट, भाई भाई लड़ जा, सही से लड़ जा तो बहुत बढ़िया हो जाए। ओ शिट भाई, ये था इसका कमाल। अब तो ये गाड़ी चलेगी, चल रही है भाई, चल रही है, तो इसको भाई पूरी तरीके से ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम चलना नहीं है, इसको सीधा तो पीछे। वो कहता अच्छा कोई पार्ट था आपने देखा होगा अगर, तो वो बहुत नहीं कुछ और है भाई, वहाँ तो कुछ है। ओ शिट, अब भाई ये चलने का है नहीं रही, चलेगी, चल जा भाई, चल जा, चल जा भाई, चल जा। जब मूव तो कर रही मगर चल नहीं रही। खैर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।